यार ये बात तो भाई माननी पड़ेगी कि आलिया भट्ट का जो करियर है ना इस टाइम पीक पे चल रहा है। मतलब उनकी एक्टिंग ना दिन पे दिन निखरती जा रही है और भाई साहब एक के बाद एक जबरदस्त मूवी वो बना रही है। तो ऐसी एक नई मूवी आ रही है जिसका नाम है डार्लिंग्स। उसका जब टीजर आया था ना भाई, टीजर देखते ही लग गया था कि ये मूवी ना थोड़ी सी अलग होने वाली है, मतलब इसका लेवल थोड़ा हाई होने वाला है। अब इसका ट्रेलर आ गया है, आज उसके बारे में बात करते हैं। हाँ यार, आप मूवी रिव्यू के लिए एक सही जगह पर आए हो, क्योंकि यहाँ पर आपका दोस्त ना तो आपका काटेगा और ना ही ज्ञान बांटेगा। तो यार स्वागत है आपका इस चैनल में जिसका नाम है हिट या शिट। यार आलिया भट्ट का जीवन ना इस टाइम भाई साहब पीक पे चल रहा है, चाहे उनकी पर्सनल लाइफ हो या प्रोफेशनल लाइफ। क्योंकि पर्सनल लाइफ का तो तुम्हें पता ही है कि अभी उनकी शादी हुई थी, अब सुनने में आ रहा है कि वो प्रेग्नेंट भी हैं। और भाई प्रोफेशनल लाइफ के बारे में भी जान ही रहे हो, उनकी जो मूवीज आ रही है ना एक के बाद एक हिट हो रही है। और भाई साहब उनके जो आने वाले प्रोजेक्ट है वो भी बड़े ही दमदार हैं। मतलब एक तो वो ब्रह्मास्त्र में काम कर रही है, ब्रह्मास्त्र बॉलीवुड की मोस्ट अवेटेड फिल्म है। उसका ट्रेलर आया था, मैंने रिव्यू किया था, तुम्हें आई बटन में मिल जाएगा। भाई साहब बहुत तगड़ी मूवी होने वाली है। एक्टिंग के अलावा भाई वो प्रोड्यूसर भी बन गई है, और एज अ प्रोड्यूसर उनकी पहली फिल्म आ रही है जिसका नाम है डार्लिंग्स। और भाई साहब उसमें वो खुद एक्ट्रेस भी हैं, और उनके साथ लीड रोल में है विजय वर्मा और शेफाली शाह। ये मूवी रिलीज होगी नेटफ्लिक्स पे सीधा, थिएटर में नहीं आ रही है। इस बात का मुझे थोड़ा सा दुख है, क्योंकि भाई ये मूवी ना दमदार होने वाली है। इस मूवी में काफी दम लग रहा है। इसका ट्रेलर आया है, ट्रेलर में कुछ ऐसा दिखाया कि ये थोड़ी सी कॉमेडी मूवी है। मतलब आलिया भट्ट ने अपने पति को ही किडनैप करके रखा हुआ है, और भाई साहब वो उसे पीट रही है दबा के। मतलब वो कह रही है, कुछ फ्लैशबैक में थोड़ा सा दिखाया कि उसके पति ने उसे खूब पीटा है, तो अब वो भी उसे पीटेगी। और भाई साहब उसे बांध बूंद के कभी इंजेक्शन लगा रही है, कभी उसे कुछ खिला रही है, मतलब खूब टॉर्चर कर रही है भाई। इस मूवी का सब्जेक्ट तो यार थोड़ा सीरियस है, लेकिन इसे कॉमेडी के रूप में दिखाया गया है। तो भाई साहब मूवी बड़ी मजेदार लग रही है। और एक्टिंग की अगर मैं बात करूं ना भाई साहब, तो एक्टिंग तो आलिया भट्ट ने तो आउटस्टैंडिंग करी है। इनके अलावा शेफाली शाह की भी एक्टिंग अच्छी है, और विजय वर्मा को थोड़ा सा ट्रेलर में कम सीन दिए तो उनकी भी एक्टिंग ठीक ठाक लग रही है। लेकिन इसमें जो मेन रोल रहेगा वो रहेगा आलिया भट्ट का। और भाई साहब अकेले ना ये पिक्चर हिट करा देंगी, मैं गारंटी दे रहा हूं। मतलब मूवी में इनकी एक्टिंग इतनी ज्यादा जबरदस्त लग रही है ना, तुम देखोगे यार तुम्हें मजा आ जाएगा। तो यार मुझे तो ट्रेलर इसका बहुत ही अच्छा लगा, मैं तो बहुत ज्यादा खुश हो गया ट्रेलर को देख के। और भाई मैं तो ये मूवी जरूर देखूंगा। नेटफ्लिक्स पे 5 अगस्त को ये रिलीज हो जाएगी, भाई जरूर देखना तुम भी। तो यार तुम्हें ट्रेलर कैसा लगा मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। और अगर तुम्हें ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को यार लाइक करो करो यार, प्लीज करा करो, मेरा मोटिवेशन थोड़ा सा बढ़ेगा। और इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करो।